बीकानेर यूनिवर्सिटी के नए भवनों का लोकार्पण समारोह आज है, जहां महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में नए भवन जो बनाए गए हैं उनका आज लोकार्पण है। विधि भवन तथा सामाजिक विज्ञान भवनों का ऑनलाइन लोकार्पण कार्यक्रम किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और विशेष अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं। साथ जुड़ेंगे ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी। तो बीकानेर यूनिवर्सिटी के नए भवनों का लोकार्पण समारोह आज राज्यपाल कलराज मिश्र कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो बनाए गए हैं और विशेष अतिथि के तौर पर राजस्थान के सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। इसी के साथ बीकानेर यूनिवर्सिटी के जो नए भवन बने हैं उनका लोकार्पण आज हो जाएगा। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में जो नए भवन है वो बनाए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार काफी लंबे समय से जो मांग थी वो जारी थी, मांगों के बाद में भवन निर्माण हुआ है और आखिरकार अब जो लोकार्पण है वो हो जाएगा। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी किशोर सिंह बिदावत इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किशोर, लंबे समय के इंतजार के बाद में जो छात्रों की मांग थी और सुविधाओं की वजह से नए भवनों का लोकार्पण किया गया, कार्यक्रम समारोह आज क्या कार्यक्रम और कितने बजे के तरीके से आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय लंबे समय से एकेडमिक भवन की मांग की जा रही थी, जिसके अंतर्गत अभी दो नए भवन बनके तैयार हो गए और उनका कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सीएम अशोक गहलोत भी 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नए भवनों का लोकार्पण करेंगे। वही बीकानेर के दोनों मंत्री बीडी कल्ला व उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में हिस्सेदारी लेंगे। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं की गई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन भवनों का उद्घाटन करवाया जा रहा है, लेकिन ये भवन है आगामी छात्रों के भविष्य के काम आने वाले भवन होंगे और इससे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय को एक नई दिशा प्रदान की जाएगी। बिल्कुल किशोर, कितने बजे का कार्यक्रम प्रस्तावित है, कितने बजे जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा? अभी कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो लगभग 11 बजे की बताई गई है कि 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस भवनों का लोकार्पण किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।